पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश की संसद में गृह मंत्री ने भारतीय दंड संहिता में फेरबदल को लेकर विधेयक पेश किया है, जिसमें अपनी पहचान छुपाकर महिलाओं के साथ शादी करना और रेप की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नया प्रावधान लागू किया गया है। सपा सांसद ने आईपीसी में हुए बदलाव पर सवाल उठाए हैं। सपा सांसद ने कहा कि ये 21वीं सदी की नई उपज है। लव जिहाद वालों को ये लगातार फंसा रहे हैं और जेलों में भेज रहे हैं। इसमें हनी ट्रैप का भी जिक्र होना चाहिए था। 21वीं सदी में कौन ऐसी बालिग लड़की होगी जिसे ये मालूम नहीं होगा कि वो अपने शरीके हयात को चुन रही है, किस मजहब का है। जब समाज का दबाव पड़ता है और भगवा ब्रिगेड का दबाव पड़ता है, तब वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ये किस धर्म का है। अब इस कानून का दुरुपयोग बहुत होगा। तो सर, भारतीय दंड संहिता में कुछ फेरबदल किए गए हैं और लव्या को भी कानून के दायरे में आया है, क्या कहना है इसका? देखिए, ये 21वीं सदी की बड़ी नई टर्म है लव जिहाद, और किसके लिए है वो आपको बताइए। इस लव जिहाद वालों को तो ये वैसे ही फंसा रहे हैं और उनको बराबर जेलों में भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ हनी ट्रैप का भी जिक्र होना चाहिए था इसके अंदर। 21वीं सदी में कौन ऐसी बालिग लड़की है जिसको ये नहीं मालूम होगा कि वो अपने शरीके हयात को चुन रही है, कि वो किस मज़हब का है। बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करके, इश्क करके और शादियां कर लेते हैं, और जब समाज का दबाव पड़ता है या भगवा ब्रिगेड का दबाव पड़ता है, तो फिर वो कह देते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। अब इस कानून का मिसयूज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। जैसा कि आपने देखा है कि रेप के कानून का 354 का मिसयूज़ हो रहा है और एक कारोबार सा बन गया है। इस बेगैरत दुनिया में लोग अपनी बहन बेटियों से दूसरों के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं और पैसा हासिल वसूल करते हैं। कानून ऐसे होने चाहिए जो फीजेबल हो, जिनका मिसयूज़ कम से कम हो। किसी भी लड़की को झूठा वायदा करके, झूठे दिलासे देके, झूठा अपना काम बता के, अपना मज़हब बता के अगर कोई शादी करता है, वो बिल्कुल गलत है। ना ही वो इस्लाम में जायज़ है, ना ही ऐसा करना चाहिए। लेकिन कानून आप बना रहे हैं, कितने कानून बन जाएं, 10-10 साल की सज़ा आपने इसमें लिख दी। कम से कम आपको उन लोगों के लिए भी सज़ाओं का तायुन करना चाहिए था जो खुले बाज़ार में पुलिस प्रोटेक्शन में नारे लगा रहे हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम कहलाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनके लिए भी कानून बनाना चाहिए। मेरी ये सलाह है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।